प्रिय मित्रों, भाइयों व बहनों, हिमाचल प्रदेश के किसानों, बागबानों व युवा साथियों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ और कई विषय जो हैं वो मन में चल रहे थे। आज प्रदेश की जो युवाओं की हालत है या और युवा पीढ़ी जो है वो बेरोजगार होकर के पलायन की तरफ बढ़ रही है, उसके ऊपर मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपके साथ चर्चा करूं, क्योंकि चर्चा ही जो है वो सकारात्मक निर्णय बा दे सकती है। हम आपस में जब तक बात नहीं करेंगे, आपस में अपनी जो हमारी सोच है उसको बांटेंगे नहीं, कई चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि हम किसी निर्णय पे पहुँचे। मेन बात है कि आजकल हमारी कृषि बागवानी कई दिनों से आवारा पशुओं व बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों से त्रसित है। किसान बागबान बड़े परेशान हैं, खासकर जो हमारा मध्य हिमालयी क्षेत्र है या शिवालिक हिमालय क्षेत्र है उसमें बहुत ही हालत ख़राब है। डे बाय डे हमारे युवा साथी जो है वो यहाँ से पढ़ लिख करके पलायन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो रोज़गार चाहिए, जेब खर्चा चाहिए, कहाँ से करें? क्योंकि पहले तो हमारे पास ऐसा था कि कम से कम प्राकृतिक खेती हम लोग करते थे, थोड़ा बहुत अन्न उपजता था और अन्न से हमारी जो है वो घर घरेलू जो ज़रूरतें जो है वो हो जाती थी। आज वो अन्न भी उपजना बंद हो गया, क्योंकि आवारा पशु, जंगली जानवर व साथ में ये जो हमारे बहुत ज़्यादा परिवर्तन है वायु में, जलवायु परिवर्तन, उससे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुए जा रहा है। मैं कई दिनों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, हालांकि मेरा रसायन विज्ञान मेरा कार्यक्षेत्र है, उसमें शोध मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, परंतु मैं अपने क्षेत्र को देखते हुए कृषि बागवानी से जुड़ा हूँ और करीब 20 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं कई साल पहले यहाँ पे सबसे पहले कॉफ़ी की फसल को उगाने की कोशिश की थी, जो बहुत सफल हुई, परंतु प्रदेश में जितनी भी सरकारें रहीं उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर दिया तो बहुत कम दिया। उसे हमारे अनुकूल जो हम लोगों को ज़रूरत है उसके अनुकूल उसको जो है संवर्धन नहीं किया गया, और कारण कि वो प्रोजेक्ट जो है अभी तक अधर में लटका हुआ है। मैंने कई बार कोशिश की, अपनी जेब से कई लाख पौधे भी बांटे, परंतु कई लाख पौधों से जो है वो हमारे पूरे क्षेत्र को, हमारे पूरे हिमाचल को जो है वो पूरा नहीं किया जा सकता। उसमें कई करोड़ पौधे जो ज़रूरत है और उसमें सरकार का बीच में आना बहुत ज़रूरी है, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। अब ये तो सरकारें जाने, जो प्रतिनिधि हैं वो जाने, मुझे तो इस चीज़ के बारे में कोई समझ भी नहीं आती, क्योंकि मैं कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुका हूँ, कई बार सरकारों को बोल चुका हूँ और कई बार इस मुद्दे पर लेकर के मिल चुका हूँ। हाँ, बात रही, मुझे कई बार कई जगह से कई चीज़ें मालूम भी होती है, कई लोगों को, कई हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को ही मेरे से प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं कि पता नहीं डॉक्टर विक्रम जो है वो हमारे उसमें खड़ा हो जाएगा कल के लिए, या लोगों के बीच में ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा है या कहीं पहुंच रहा है तो उससे जो है वो हमारी कल के लिए, हमारी सीट के लिए थ्रेट है। परंतु मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा मेरा कोई भी वोट बैंक की राजनीति में जाना या कोई लोकतंत्र व्यवस्था में मेरा कोई चुनाव लड़ना, ये मेरा कोई पैशन नहीं है, मेरा कोई इसमें कोई भी बिल्कुल भी विचार नहीं है। मैं बिल्कुल लोगों की सेवा के लिए हूँ, जब तक जिंदा हूँ यही सेवा करता रहूँगा। रही बात आज के विषय की, मैं आज का विषय आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मैं कई दिनों से हमारे हिमालय क्षेत्र के लिए शोध
द्वारा या इस चीज़ को समझ में रखते हुए कि यहाँ क्या हो सकता है जिससे हमारी जो है आर्थिकी मजबूत हो, हम आत्मस्वावलंबन की तरफ बढ़े। हमारे युवा जो हैं वो थोड़ा बहुत कुछ अपने घरों में अपनी ज़मीन में कर करके उसमें थोड़ा बहुत अपनी रोजी रोटी कमा सकें, उस जो उत्पाद है उसको बाजार में बेच करके, या ऐसा उत्पाद पैदा करें जिसको वहीं से आके मंडी वाले या जो भी आढ़ती लोग हैं या जो भी व्यापारी लोग हैं आपके घर से ले जाएँ और उसमें आपको जो है वो कुछ एक पैसे मिलें। परंतु मैं कई वर्षों से इस चीज़ को करता रहा। आज मैंने कुछ समय पहले, पिछले साल मैंने निर्णय लिया था, क्योंकि मैंने कुछ एक टॉपोग्राफिक कंडीशंस को कई जगह की स्टडी किया, जिसमें जो ये सूखे मेवे उगाने वाले क्षेत्र हैं जैसे अफगानिस्तान है, टर्की है, ईरान है, और ऐसे ही तुर्क में अपना कजाकिस्तान वगैरह क्षेत्र है, इनमें मैंने कुछ एक स्टडीज़ की। तो मैंने पाया कि हमारे जो यहाँ का टेरेन है, जो हिमाचल का जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, हालांकि ये यहाँ से नहीं अरुणाचल से लगता हुआ आता है और ये जम्मू कश्मीर को करता हुआ अफगानिस्तान को, वही टेरेन जो है ईरान तक पहुँचती है, खुरासान तक चले जाती है, यही टेरेन है हमारे पास भी। परंतु हमने आज उन लोगों ने यहाँ पे काम किया, हम लोगों ने यहाँ पे काम नहीं किया। हमारी सरकारें हमारे को मात्र कहाँ पे टिकाती रही, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के ऊपर। हमें क्या दिया जाता है, 5 किलो आटा, 10 किलो नमक, 5 किलो आटा, 10 किलो चावल और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी दालें देकर के हम लोग जो हैं वो आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी, उसकी तरफ बढ़ने से हम जो हैं वो पंगु होते जा रहे हैं। और ये पंगुपन जो है हमारी सबसे बड़ी जो है कमी है, जिससे हम आत्म स्वावलंबन से बहुत दूर चले जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है जो इस वक्त मेरे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे सभी से एक ही चीज़ का अनुरोध है कि आप लोग कृपया इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। हमें अपने क्षेत्र को एक उन्नत क्षेत्र बनाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करके। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमारे हिमाचल को, हमारे जम्मू कश्मीर को, हमारे उत्तराखंड को बर्बाद कर देगा। आप सभी को मालूम होगा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो है पूरे आधे से ज़्यादा भारत का पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर यहाँ का पर्यावरण खराब होता है, पूरे भारतवर्ष का पर्यावरण खराब हो जाएगा, दिल्ली ही नहीं मुंबई तक मार पड़ेगी। इसलिए इस पर्यावरण को छेड़ना, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ये बहुत ही घातक है। अभी पिछले ही दिनों, हाल ही दिनों क्या अपना जो हमारा पर्यावरण बोर्ड है भारत सरकार का, उसने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें मनाली, शिमला और धर्मशाला तक के जो शहर हैं इनमें भी पॉल्यूशन लेवल जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो एक चिंता का विषय है, हमें किस इंडस्ट्री को लेके आना है, हमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को लेके आना है। हमारे पास खाली पड़ी हुई ज़मीनें हैं, हम करोड़ों रुपए का उत्पाद यहाँ पैदा कर सकते हैं। और हर हमारा युवा जिसके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है वो आत्म स्वावलंबी बन सकता है, बिना किसी के पास नौकरी की हुए, बिना किसी के पास धक्के खाए हुए, बिना किसी के टुकड़ों पर पल के। परंतु क्या करना है, उसमें बहुत छोटी चीज़ है, हम आपस में, हम सभी लोग अगर जुड़ते हैं, हम आपस में अगर सभी लोग इकट्ठे होकर के चलते हैं, मुंह से चलते हैं, तो हम अपने पूरे प्रदेश को बदल सकते हैं। सरकार चाहे ना चाहे, वो सरकार की मर्जी है, सरकार जो है वो सरकार है, उसके साथ हम कोई ऐसी कोई बहस भी नहीं कर सकते। परंतु सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच में से वो प्रतिनिधि जाते हैं, परंतु पता नहीं क्यों भूल जाते हैं वो अपने उस परिवेश को, उस क्षेत्र को जिसमें से वो निकल के गए हैं। उन्होंने भी वो चीज़ें सही हैं, वो मार सही है, परंतु जब वहाँ से चले जाते हैं तो वो उस अलग सी दुनिया में चले जाते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि क्यों ऐसा वो सब कुछ भूल जाते हैं। हालाँकि उनको याद रखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और कितने बड़े हमारे युवा जो हैं वो बद्दी, बरोटीवाड़ा, नालागढ़, दिल्ली और कहाँ कहाँ, मेरे को तो कई बार जो है, मैं कभी कई बार ट्रैवल करता हूँ तो मध्य प्रदेश तक जो है वो हमारे युवा जो हैं वो पेट्रोल पंपों पे तेल डाल रहे होते हैं। क्यों? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, परंतु कोई नहीं सोचता इस चीज को, क्योंकि जिसको जो तन लागे सो ही जाने, जिसको दर्द हो रहा है, जो वहां पे धक्के खा रहा है, 5-7 हज़ार की नौकरी करके अपने परिवार को पाल रहा है, वो उसी को दर्द है, आम आदमी को दर्द नहीं। मुझे भी दर्द नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरी सोच है कि ठीक है, जो कर रहा है करने दो, मुझे क्या लेना है इससे। परंतु हमें इस चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा। मैं भी हाल ही दिनों में, मैं एक विषय पे आता हूँ, हाल ही दिनों में मैंने पिस्ता के ऊपर थोड़ा सा शोध किया। पिस्ता एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक फसल है और आपको सबको पता है कि पिस्ता जो है सूखे मेवे में जो है वो एक बहुत बड़ा
रोल अदा करता है और बहुत महंगा बिकता है बाजार में। और ज़्यादातर पिस्ता हमारे पास जो है वो आयात किया जाता है। मोर देन 95% पिस्ता जो है हम विदेशों से मंगवाते हैं। थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे लगाया हुआ है हिंदुस्तान में, परंतु उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पा रहा है, किंतु क्योंकि पिस्ता को कुछ एक ठंडी जलवायु चाहिए, तो जितना भी हमारा साउथ में लगाया है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बन पाती। परंतु हमारे पास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ऐसी ही लगती हुई ऊपर की ट्रेन है, इसमें बहुत अच्छा पिस्ता हो सकता है। हमें सबसे पहले सोचना है अपने हिमाचल के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में जितना भी हमारा क्षेत्र है, शिवालिक हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र और ऊपरी हिमालय क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में पिस्ता बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं अभी जल्द ही 5,000 के करीब जो मैंने पौधे कहीं से इम्पोर्ट करके किसी के थ्रू मंगवाए हैं, वो कलकत्ता पहुंच चुके हैं। वहां से मैं उनको अभी यहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है या ट्रेन के थ्रू जो है वो चंडीगढ़ तक मंगवाऊंगा, फिर मैं आपके पास उन चीज़ों को दूंगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग ऐसी जैसी फसल के ऊपर कार्य करिए। पहली बात तो उसको कोई पशु, आवारा पशु, जंगली जानवर उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है, तो हम लोग जो हैं उसके ऊपर मिलके कार्य करें। उसके साथ ऐसी कई फसलें हैं जिसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। कॉफ़ी एक बहुत अच्छी फसल है, वो पिस्ता के साथ भी हो सकती है। पिस्ता के साथ आप एवोकाडो भी उगा सकते हो, पिस्ता के साथ आप दालचीनी भी पैदा कर सकते हो। ये सभी चीज़ें जो हैं वो इस पिस्ता के साथ हो सकती हैं। और यही चीज़ें जो हैं वो आगे आगे कुछ देखिए, ये 4-5 साल का सारा आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आप लोगों की ज़मीन जो है वो सोना उगलना शुरू कर देगी। आपने कभी, आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं मेरे साथ, सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक पढ़ा लिखा इंसान ही पहुंचता है जाके। तो आप अगर सर्च करोगे और आप देखोगे कि पिस्ता, दालचीनी, एवोकाडो और जो अन्य फसलें जिनकी, कॉफ़ी जिनके बारे में मैं बात करता रहता हूँ, आप देखिए जो जिन जिन कंट्रीज में ये होता है वहां की जो है वो आय के साधन को देखिए। ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, इनकी बेसिक जो आय के साधन हैं वो सूखे मेवे हैं। और इतना अच्छा वहां पे कुछ नहीं है उनके पास, इतने अच्छे संसाधन नहीं है जितने हमारे पास हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है उन लोगों के पास, परंतु फिर भी वो मेहनती हैं और वहां की सरकारें उसके ऊपर कार्य करती हैं। मुझे बड़े कई बार बड़ा दुख भी होता है, हमें 120-122 साल से ऊपर जो है सेब उत्पादन करते हो गए, आज मैंने लिखा भी था उसकी चीज़ के ऊपर, परंतु आज तक हमारी हिमाचल सरकार जो है वो सेब उत्पादन को लेकर के यहाँ सेब के लिए रिसर्च सेंटर तक नहीं खोल पाई। हमें हमेशा हर साल जो है वो पौधे जो है वो विदेशों से मंगवा के हमारे लोगों को बांट दिए जाते हैं, और वो कुछ दिनों के चल, क्योंकि उनका कोई R&D तो हुआ नहीं है कि ये पौधा इस टेरेन में हो जाएगा कि नहीं हुआ। वो कुछ 5-4 साल पौधे फल देके वो फिर फ्लॉप हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए चल रहा, तो किसान कितने दिनों तक ट्रायल करता रहेगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा, एक न एक दिन वो 100% बर्बाद होगा। और बर्बाद हो चुके हैं हमारे किसान, जो पुराने पौधे थे वो आज भी फल दे रहे हैं, परंतु जो नई लगी हुई फेदर्ड वराइटीज हैं, कोई वराइटी है, न्यू ट्रायल हो रहे हैं डे बाई डे। कभी इटली से उठा के ले आते हैं, कभी अमेरिका से ले आते हैं, कभी हॉलैंड से ले आते हैं। क्या है ये, क्यों ऐसा बना रखा है? क्या हमारे पास अपनी अपनी रूट स्टॉक नहीं तैयार कर सकते? क्या हम अपना पौधा नहीं तैयार सकते? क्या हमारे पास वो वैज्ञानिक नहीं है जो वहाँ काम कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, जेस्प्री एक ब्रांड आता है कीवी का, उसमें 67 वैज्ञानिक जो हैं हमारे हिंदुस्तान के वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, और वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड जेस्प्री बिकती है, कौन तैयार करता है? हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक है, परंतु यहाँ क्यों नहीं हो पाती हो, मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं हो पाती। क्या यहाँ पे किस चीज़ की कमी रहती है? इस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी है, यहाँ पे उन वैज्ञानिकों के साथ जो है उस सरकारों की आपसी तालमेल की कमी है, उनको समझा नहीं जाता, उनके बारे में सोचा नहीं जाता, वहाँ पर R&D के लिए दिया नहीं जाता। जितने भी हमारे जो संस्थान है, शोध संस्थान, में तकरीबन सभी मैं घूमा हूँ, वहां पे क्या है, सिर्फ नाम लेने के लिए। कुछ दिन पहले की बात है, मैं IHBT जो को जो है हींग का बीज दे के आया। आजकल IHBT बोल रहा है कि हमने जी बाहर से मंगवाया वो, और मैंने जब वहां पे NBPGR में पता किया तो वहां पे कहीं बाहर से बीज नहीं आया है। परंतु झूठ बोलने के लिए ये लोग जो है दूसरे को धूमिल करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, मतलब इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, ना तो प्रदेश सरकार का कोई कंट्रोल है, ना ही भारत सरकार का इन लोगों के ऊपर कंट्रोल है, ना ही कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एग्रीकल्चरिस्ट एंड द रिसर्च साइंटिस्ट है, क्यों नहीं है? ये चीज़ जो है वो बाहर आकर विदेशों में आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है। हमारे विदेशों में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक हैं,
जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसप्री जैसा ब्रांड जो वर्ल्ड वाइड बिकता है, आप भी कीवी लेते होंगे, आप अपने यहाँ की लोकल कीवी को कभी पसंद नहीं करते होंगे, परंतु जैसप्री जरूर लेके आते हो क्योंकि उसका टेस्ट अल्टीमेट है। आज तक पीछे एक प्रोजेक्ट आया था, मैं आपसे 1142 करोड़ रुपए का था, जिसके ऊपर मैंने भी सवाल उठाए थे। अभी तक वो प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं समझ आया कि इसको क्या मिला है उस प्रोजेक्ट में से। 1142 करोड़ रुपए जो वर्ल्ड बैंक का पैसा था, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको कहाँ पे कुछ पे, कुछ एक वहाँ पे जो है वो उस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो कंसल्टेंट रख दिए गए 5-2-3-3 लाख रुपये में। किस चीज़ की कंसल्टेंसी चाहिए वहाँ पे? हमारे पास रिसर्च साइंटिस्ट हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हमारे पास हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हमारे पास 2-2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बैठी हैं, IHBT यहाँ पे बैठा है, वहीं से साइंटिस्ट की कंसल्टेंसी लीजिए, क्यों बाहर से कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहे हो? क्या जरूरत है उस चीज़ की? शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को, मुझे नहीं समझ आता। कई बार मुझे दुख होता है कि ये सरकारें पैसा बर्बाद करने के लिए क्यों बैठी हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है हम लोगों के लिए, जो है वो है कि हमारे जो क्षेत्र हैं जो बिल्कुल वीरान हो गए, खाली हो गए, जंगलों के जंगल बन गए, दोबारा वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, और पशु और जंगली जानवरों की इतनी हताहत है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए गायों को जो है वो संभालने के लिए, रोज उसके लिए अनाउंसमेंट होती है, हमने वहां पे अभयारण्य बना दिया, वहां पे सेंचुरी बना दी गाय के लिए, ये कर दिया वो कर दिया। मुझे नहीं समझ आया कि वो सेंचुरीज कहाँ है। मैं कभी भी घर जाता हूं तो रोड पे मेरे को कम से कम 200-300 गायें जो हैं वो मिलती हैं। कई बार वो टकरा के बेचारी घायल हुई पड़ी होती हैं, कई बार कुछ होता है, कई बार कुछ होता है। आज तक वो करीब मैं 7 साल से इस चीज़ को देखे जा रहा हूँ, 7 साल से ये चल रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय ये चला था, इसके ऊपर प्रोजेक्ट चला था जी, अभयारण्य बनेंगे, उसके बाद सेंचुरीज बनेंगी गायों के लिए, वो बनी गौशालाएँ बनी, परंतु वो कोई भी चीज़ जो है कामयाब नहीं। आज फिर गायें वहीं की वहीं हैं, वही हालत जो है अन्य पशुओं की जो आवारा घूम रहे हैं। उसके बाद जानवरों की है, इतने जानवर हो चुके हैं, मेरा अपना घर है वहाँ पे इतने जानवर है, हम अरबी नहीं लगा सकते, हम अदरक नहीं लगा सकते, हम आलू नहीं लगा सकते, कुछ नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे इतने जानवर हो चुके हैं जो संभाले ही नहीं जा रहे हैं, हम फसल कहाँ लगाएं। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट वालों को बोले वो बोलेंगे जी हमारा काम नहीं है, और किसको? सरकार को बोलेंगे, सरकार बोलती है फॉरेस्ट वालों से बात करो, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है जब, तो कैसे काम चलेगा? ये बहुत दुख की बात है, और इन चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए और इन चीज़ों को लेकर के हमें चलना चाहिए। हाँ, रही बात मेरी, तो मैं आप लोगों से कहूँगा मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ, जब भी बोलेंगे तब मैं हाजिर हूँ, जो मेरे से हो सकता है मैं करूँगा प्रदेश के लिए। मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ, आप लोगों की मदद मुझे चाहिए, मुझे आप लोगों का आत्मविश्वास जो आप लोग मेरे को देते हो वो मुझे चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अगर आप लोग आशीर्वाद देते रहेंगे तो मैं प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ नया करता रहूँगा। अभी हाल ही में आपको 5,000 मेरे पास जो है पौधे पहुँच रहे हैं, 5,000 पौधे मैं सभी को स्पेसिमन जो हाँ दे दूंगा, बांट दूंगा, उसके बाद आप लोगों ने आगे उसको बढ़ाना है। यही मेरी दिली इच्छा है कि हमारा हिमाचल जो है आत्म स्वावलंबी बने, आर्थिक सुदृढ़ बने, हमारे युवा जो हैं वो धक्के खाने के लिए 5-5-6-6 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए मजबूर ना हो। मैं हमेशा यही चाहता हूँ, यही चाहता रहूँगा। धन्यवाद सभी मित्रों को, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको कि जल्द ही आपके बीच में जो है वो पिस्ता के पौधे पहुंचेंगे, जो हिमाचल में पहली बार होगा। हिमाचल में आज तक पिस्ता के प्लांटेशन नहीं की गई है, ना ही किसी ने इस तरफ को सोचा। उससे पहले मैंने हींग के लिए काम किया था, उससे पहले मैंने दालचीनी के लिए काम किया था, एवोकेडो के लिए मैंने काम किया है। मैं कई बार सरकारों को बोल चुका कि एवोकेडो के प्लांटेशन उपलब्ध करवाइए, सोर्सेज अगर आपको चाहिए तो मैं करवा देता हूँ उसको। ये अननेसेसरी पैसे वेस्ट कर रहे हैं आम के ऊपर, नींबू के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें जब हमारे पास पैदा होती हैं तो मंडी भरी पड़ी होती है इन चीज़ों से, तो उसको कोई फायदा नहीं है, हमारी 2-2 रुपए किलो भी नहीं बिकती। तो ज्यादा बेटर है हम उस चीज को पैदा करें जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। तो कॉफी के लिए मैंने काफी कुछ किया हुआ है, अगली बार मेरे साथ बहुत ज्यादा लोग आज जुड़े हुए हैं, सभी लोग मेरे को देख रहे हैं, तो मैं सब लोगों से एक ही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मित्रों, बहनों, भाइयों, आप लोग जो है वो जरूर जितना हो सके कॉफ़ी की प्लांटेशन लगाइए, और सरकार तक भी अपनी बात पहुंचाइए, अपने अपने यहाँ इलाके के प्रतिनिधियों को बोलिए कि इस कार्य को करना है, और इससे हमारे को स्वावलंबन मिलेगा, आत्मनिर्भरता मिलेगी, और
हम जो हैं वो जो हमारे जो लोग हैं या हमारे अगले आगामी पीढ़ी है वो यहाँ से पलायन ना करे, इसी पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हम यहाँ पे अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत। नमस्कार।